सर्व विदित है 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मानव जीवन मिलता है। जन्म जन्मांतरों के पाप पुण्य साथ लेकर जीवात्मा का धरा पर आगमन होता है। सुख दुख नाम के दो पहियों पर जीवन की गाड़ी चलती रहती है, जिसमें धन उदासी, मानसिक अशांति, शारीरिक कष्ट जैसे कुछ चक्रों में ग्रहों की चाल मनुष्य को अपनी ओर खींच लेती है। आप कभी असफल ना हो, किस्मत हमेशा आपका साथ दे, हम सब निरोगी रहें, वैभवशाली बने, यही कामना रखते हुए आप सभी के लिए 33 कोटि महापूजन संपन्न होने जा रहे हैं, जिनमें आप सभी आमंत्रित हैं। दिव्य गुप्त मंत्रों व विभिन्न चमत्कारिक स्रोतों द्वारा आप सभी आयोजन में भाग लेकर अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। आयोजन में पंडित धर्मेंद्र शर्मा जी साधना पद्धति के गुप्त सिद्धांत, सुख समृद्धि के रहस्य व कैसे करें कष्टों को दूर, ऐसे अनेक आयामों पर प्रकाश डालेंगे। आओ हम सब मिलकर शांति प्राप्त करें और चलें एक आध्यात्मिक पथ पर। जल्द ही अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं शशि। ज्योतिष ज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम जहां आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है, और वो समाधान करते हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी, जो कि हर तरह का विशेषज्ञ और वास्तु विशेषज्ञ हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। अगर आपका भी कोई सवाल है या आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। शर्मा जी, आज मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो लोग शिविर में आए थे और जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी देखिएगा, सबसे पहले तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि आप बहुत दूर दूर से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, बिहार से, गुजरात से, मतलब मुझे नहीं लगता कि देश का कोई प्रांत बचा हो जहाँ से आप लोग ना आए हों। बहुत दूर दूर से आप लोग आए और बहुत मेहनत के साथ आप लोग वहाँ बैठे, बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहली बात तो है, आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि ऐसे सत्कर्म में, ऐसे सत्कार्य में आप लोग भागीदारी लेते हैं। अब देखो, बहुत व्यक्ति बहुत सारी चाह लेकर के आते हैं किसी भी कार्यक्रम में, निश्चित तौर से बहुत सारे सवाल होते हैं सभी के, लेकिन जब आप डॉक्टर साहब को अपने सवाल गिनवाने बैठते हैं ना, तो डॉक्टर साहब आपकी मेन बीमारी क्या है उसको पकड़ लेते हैं और आपका डायग्नोस कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से, बस ये समझ लीजिएगा, आप वहाँ आए, आपकी हाजिरी चढ़ गई, आपके अटेंडेंस लग गई, आपके लिए यही बहुत है। आप कुछ मत सोचिए, कुछ ना बहुत पॉजिटिव सोचिए ना बहुत निगेटिव सोचिए, आप आए बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि क्या होता है, किसी भी सत्कार्य में अगर हम एक कदम भी बढ़ा दें आगे, तो उस एक कदम का फल हमें बहुत मिलता है। इंद्राक्षी स्तुति वास्तव में जन्म जन्मांतरों के योगों को और ख़ासतौर से कुटिल योगों को तोड़ने वाला स्तोत्र होता है, जहाँ ये बीमारी को दूर करता है। और ऐसे कार्यक्रम में, एक ऐसी ओरा में, जब इंद्राक्षी स्तोत्र की वर्षा आपके ऊपर होती है, यानी कि इंद्राक्षी स्तोत्र चल रहा है और आप लोग वहाँ बैठे हैं, आपको लाभ मिलेगा। पंचक्रिया जो आपसे कराई जाती है, पांच क्रिया, जब पंचक्रिया आपने की, आपको नहीं पता क्या हुआ, आपको तो लगेगा हमें मालूम नहीं हुआ, लेकिन हमें मालूम है उस पंचक्रिया का भविष्य में आपको क्या लाभ मिलेगा। दूसरी बात, नागपाश क्रिया जो कालसर्प आदि के लिए हमने आपसे नागपाश की कुछ चीज़ें बुलवाई थी, उसमें हमें पता है कि आपको उससे क्या लाभ मिलेगा। और अब सबसे बड़ी लाभ की बात, सिर्फ आपकी तो हमें हाजिरी लगवानी थी, सिर्फ आपको तो हमें वहाँ तक बुलाना है। आप सबके नाम हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, लिखे हुए हैं, जो जो व्यक्ति पहुँचे हैं उन सबकी रजिस्ट्रेशन, सबकी हाजिरी हमारे पास लग चुकी है। उन सब व्यक्तियों के लिए समय समय पर, समय समय पर हम लोग कुछ ना कुछ दिव्य कार्यक्रम करते रहेंगे। हाँ, अब एक यज्ञ की जो हम आपसे बात कर लेते हैं, 11 तारीख को, ये जो आने वाली 11 तारीख है, हमने कहा था कि आप जब सब लोग यहाँ से सकुशल पहुँच जाएंगे, सबके निमित्त, जितने भी लोग वहाँ आए थे सबके निमित्त एक विशेष प्रकार का एक चमत्कारिक गुप्त यज्ञ हम कर रहे हैं, जिससे आपको और भी लाभ मिलेगा। और जो इंद्राक्षी वाले लोग थे, जिनको इंद्राक्षी कवच चाहिए, वो जवाबी लिफाफा हमारे संस्थान में डाल दें, अपना नाम, वही नाम जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त लिखवाया था,
वही नाम फोन नंबर वही डाल दें और बोलें कि आप शिविर में आए थे, आपको हम इंद्राक्षी स्तोत्र जरूर भेजेंगे और साथ में कुछ उपायों के लिए भी हम सोच रहे हैं आपके लिए। एक दो दिन का समय दीजिएगा, उसके बाद मैं टेलीविजन से ही डिक्लेयर करूंगा। आप ये मत सोचिए, हम आपके साथ बहुत लंबे समय तक जुड़ने वाले हैं और बहुत लंबे समय तक आपको हम अपने साथ जोड़ने वाले हैं। रही बात गुरु दीक्षा की, जिन जिन लोगों ने गुरु दीक्षा ली है वहाँ हमने गुरु मंत्र नहीं दिया किसी को भी, आम हमने यंत्र सिखाया, बहुत सारी बातें बताई, लेकिन जहाँ तक गुरु दीक्षा वालों के लिए मंत्र है, अभी हम दो चार रोज के बाद आपको सबको कॉल करने वाले हैं, गुरु दीक्षा वालों को एक विशेष समय में विशेष मुहूर्त पर हम आपको कुछ बताएंगे। और जो लोग फोन पर गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं उनको भी उन्हीं के साथ जोड़ेंगे, तो पूरा एक कॉम्बिनेशन मिला करके सबको हम चार पांच दिन के बाद कॉल करने वाले हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, गुरु ऐसे ही नहीं बनाया जाता। जब एक व्यक्ति जुड़ जाता जन्म जन्मांतरों के लिए, उस आत्मा से वो व्यक्ति जुड़ जाता, और आप जुड़े हैं, जिन्होंने गुरु बनाया है वो भी जुड़े हैं, और जो केवल शिविर में आए हैं वो भी जुड़े हैं। सबके लिए कैसे कैसे लाभ पहुँचाना है अब आप बेफिक्र रहिएगा, हम पूरा आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे, पूरा पूजा पाठ का आपके लिए कर्म जोड़ेंगे, ये सिलसिला एक दो महीने तक आपके लिए पूर्ण तरीके से चलता रहेगा। जी शिमा जी, भी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम अक्षय सिंगल है और मैं गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं शर्मा जी से? शर्मा जी नमस्ते। नमस्कार, बोलिएगा। शर्मा जी, मेरी आपसे 4 महीने पहले बात हुई थी, आपने मेरे को एक उपाय बताए थे, एक भैरव जी पे दिया जलाना था और सिद्धगुण जी का स्रोत पढ़ना था और भैरव जी के 108 नाम पढ़ने थे। जी जी। तो शर्मा जी, मैंने वो उपाय करे थे और आपने मेरे से फिर ये बात की थी कि आपको एक बार ये सब करके दिए जला के और सिद्धगुण जी का स्रोत का पाठ करके आपको मेरे को दोबारा कॉल करनी है। अच्छा बेटा, चलो मैं आपको बताता हूँ। बहुत अच्छी बात, तो आप बधाई के पात्र हैं कि जो आपको मैंने कहा आपने 4 महीने किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोग बागों को हम जैसे कहते हैं ये उपाय 4 महीने करें, 6 महीने करें, नहीं करते बहुत से लोग, आलस्य में परमाद में किसी उपाय को छोड़ बैठते हैं। तो बेटा आपने उपाय किया, बहुत खुशी की बात है। अब देखो बेटा आपको आगे क्या करना है। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र तो आप बंद मत करना, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र को बादस्तूर आप बेटा करते रहना, जितना आपसे बनता है इस कुंजी का स्तोत्र का पाठ कम से कम एक बार अवश्य करना। इसी कुंजी का स्तोत्र के साथ साथ आप एक काम और करें, लक्ष्मी का एक मंत्र होता है ओम श्रीम श्री नमः, मैंने पहले भी टेलीविजन पे बताया था, ओम श्रीम श्री नमः, इस मंत्र को आप जरूर पढ़िएगा, जितना भी आपको टाइम मिलता 5-10 मिनट जरूर पढ़िएगा, और साथ में बृहस्पतिवार के दिन पीला तिलक मस्तक के ऊपर जरूर लगाइए। अगर आप थोड़ा सा खर्च कर सकते हैं, नवग्रह की रतन की अंगूठी बेटा बाजार से बनवा लो, 9 रतन हो, अच्छी क्वालिटी के हों, छोटे छोटे से लगवा लो, बहुत महंगे लेने की जरूरत नहीं है, और उसको चांदी में या तांबे में बनवा करके रविवार के दिन आप उसको अपनी रिंग फिंगर में धारण कर लो ओम सूर्याय नमः बोल करके। अब बस इतना कर लीजिएगा, 4-6 महीने फिर करो, फिर मुझे बताओ। निश्चित तौर से धीरे 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 आपके ग्रह बुलंदी की तरफ चले जाएंगे। जैसे एक बच्चे को माता पिता, अगर बच्चा जिद कर रहा होता है कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए, माता पिता उसे बहलाते फुसलाते आगे तक ले जाते अगर उस बच्चे को चीज़ भी नहीं दिलानी होती। तो ऐसे ही मैं फिर शिविर पर आ जाता हूँ। आप शिविर में पहुँचे, बस आप इतनी खुशी मनाइए, भगवान आपको शिविर तक ले आए, आप शिविर में आए, आपने शिविर में क्या सुना क्या नहीं सुना, कितना आपने ध्यान दे पाए, आप सब कुछ भूल जाइए। जैसे तुलसीदास जी ने कहा ना, आपने खेत में बीज तो डाला, अंकुर तो फूटेगा कम या ज़्यादा, तो आप शिविर तक आए उसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा, आप बेफिक्र रहना। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने उसमें यंत्र बताया, कमला लय वाला मंत्र बताया, ये बिल्कुल इसको जल्द से जल्द शुरू कर देना, अमोघ फल की प्राप्ति इस यंत्र से आपको होगी। और दर्शकों, जो मैंने आपको यंत्र के साथ साथ एक दो मंत्र उसमें और मैंने आपको बताया है शिविर के दौरान, वो आप जरूर कीजिएगा, उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इंद्राक्षी और कुछ चीजें और हम आपको बहुत जल्द ये सारी चीजें मुहैया कराने वाले हैं। जी, तो जो शर्मा जी ने आपको उपाय बताया, आप उन उपायों कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या फोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या महाअंबी का यंत्र मंगाना चाहते हैं, तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उनपे संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, अभी एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है, मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। मैं अपने देवर की बेटी के बारे में बात करना चाहती हूँ। जी, पूछ सकती है अपना सवाल शर्मा जी से? हाँ बोलिएगा। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? देवर की बेटी ने जी एमए किया है। जी देवर की बेटी है, उसका नाम सुनील है। हाँ हाँ, उसने एमए किया भी, मैंने सर जी ने पास किया। वो चाहती है कि मैं क्या करूँ, बीकॉम किया, बीकॉम फाइनल ईयर कर रही है। आगे बच्ची पढ़ना चाहती है? हाँ जी, वो आगे क्या करना चाहती है? देखो बहुत कम आपकी आवाज समझ पा रहा हूँ, बस इतना समझ पा रहा हूँ बच्ची बीकॉम कर रही है या किया है। बच्ची आगे अपनी विद्या को और अच्छे से करना चाहती है, इसके लिए मैं आपको उपाय बता देता हूँ क्या किया जाए जिससे आपकी बच्ची और पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे से कामयाब हो। बेटी से कहें कि एक तो प्रतिदिन सूर्य चालीसा का पाठ करे। सूर्य चालीसा का पाठ शौर्य और विद्वंता को प्रदान करता है। सूर्य चालीसा का पाठ करे और सूर्य चालीसा के पाठ के संग संग बच्ची से कहिएगा कि वो सरस्वती चालीसा भी पढ़े। अगर दो चालीसा आपकी बेटी पढ़ती रहे, विद्या में भी लाभ मिलेगा, जीवन में भी लाभ मिलेगा। एक छोटा सा काम और करा दीजिएगा बच्ची के हाथ से, पीसी हुई हल्दी तकरीबन 200 ग्राम, 200 ग्राम पीसी हुई हल्दी नौ बृहस्पतिवार जहाँ कहीं लंगर लगता हो वो उसको हाथ लगवा करके आप दे दें, या बच्ची स्वयं दे आए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जी तो जो शर्मा जी ने आपको उपाय बताया, आप उन उपायों कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या फोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पे संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष ज्ञान में अभी वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए हमारा विशेष कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान। अंबिका यंत्र 3 विशेष प्रकार के यंत्रों का मिला जुला संयोजन है। अंबिका यंत्र में 10 दिशी यंत्र, लक्ष्मी प्रदायक 34 यंत्र एवं पंच दिशी यंत्र सम्मिलित है। ये अंबिका यंत्र विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक तरीके से भोजपत्र के ऊपर प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। इस विशेष यंत्र की यांत्रिक तरंगों का प्रभाव चमत्कारिक रूप से कार्य करता है। जैसे वास्तुदोष, व्यापारिक धन हानि, मानसिक अशांति व विभिन्न प्रकार के रोग व बाधाओं को शांत करता है, साथ ही आध्यात्मिक व भौतिक सुख प्रदान करता है। अतः ये यंत्र अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होता है। अधिक जानकारी व रजिस्ट्रेशन के लिए संस्थान से संपर्क करें। संपर्क सूत्र 09582248029, 08130948703। संपर्क समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। अगर आपका भी कोई सवाल है या आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। शर्मा जी भी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं आप? उमेश नाम है, रावता से बोल रहा हूँ सर। जी अपना सवाल पूछ सकते हैं शर्मा जी से? प्रणाम शर्मा जी। जी प्रणाम भैया, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? शर्मा जी आपसे बात ही करनी थी, और जी मैं आप शिविर में आने के लिए बहुत कोशिश की, जो कमजोरी है सर से कुछ। जी जी बताइए, आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? बड़ा लड़का भी टेक कर रहा है NIT से। अच्छा अच्छा, छोटे लड़के ने सीनियर किया है 66 नंबर से। जी अच्छा है सर, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, वो कर दीजिए कि मैं आपसे पर्सनल मिल सकूं या कॉल कर सकूं, उसके लिए मेरे को उपाय बता दीजिए। चलिए, तो बड़ा अजीब सा सवाल आपने किया कि आप पर्सनल मिल सकें, उसके लिए क्या उपाय होता है। देखो भाई, यहाँ भी आप पर्सनल ही मिल रहे हैं, और ऐसी बात नहीं है, भगवान ने एक ऐसी ताकत दी है कि जिसमें जब हम आपसे बात करते हैं तो आपकी रेखाएं हम तक पहुंच जाती हैं। यकीन ना है, लीजिए। अब देखो, आपकी हथेली में जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, हथेली के जो बीच में होती है, बहुत वीक है। जब ऊपर जाकर के रेखा बिल्कुल लुंज-बुंज हो जाती हो, कमजोर हो जाती हो, अभी फोन पे बने रहना, सुन लेना मेरी बातें, तो वहाँ शनि बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और वो पूरा फल नहीं दे पाते। हालांकि मेहनती हैं, बचपन से मेहनत, पूरा समय बीत गया है आपका, लेकिन क्या होता है कभी कभी जो हमें प्राप्त होना चाहिए जीवन में वो चीज़ नहीं हो पाती है, ऐसा कई बार हो जाता। तो
तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप फोन मिलाते रहें, हमसे आपकी बात होती रहेगी। एक काम कीजिएगा, आप किसी भी तरह रोज नियम बना लो, आपको दारुण सप्तक पढ़ना है। बहुत लोगों को बताता हूँ ये मैं, दारुण सप्तक के साथ साथ भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए गजेंद्र मोक्ष, बस गजेंद्र मोक्ष और दारुण सप्तक आप प्रतिदिन पढ़ते रहिएगा, इससे बहुत बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और दूसरी बात, आप मिलना चाहते हैं, आपका मन मिलने के लिए श्रावण मास में अगर ईश्वर ने चाहा, देखो भगवान चाहते हैं और आप लोग कदम बढ़ाते हैं, अगर सावन के महीने में ईश्वर ने चाहा तो जो इस शिविर में आए थे उनको तो हम सबको बुलाएंगे इनवाइट करेंगे अपनी तरफ से। आप मेरी तरफ से अभी से इनवाइट हैं, श्रावण मास आने वाला है, उसमें एक विशेष पूजन आप सबके हाथ से कराया जाएगा। ये तो एक सामूहिक पूजन होता है, इसमें आप लोग आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आचार्य जी पूजन आप सबकी तरफ से कर देते हैं, लेकिन श्रावण मास में ऐसा नहीं होता। श्रावण मास में तो हमें स्वयं पूजन करना पड़ता है, तब वो पूजन सार्थक होता है। तो मेरी तरफ से आप अभी से इनवाइट हैं, सावन को आने दीजिएगा, और कैसे कैसे उसमें क्या करना है मैं बताता जाऊँगा। बस अपना नाम मुझे रिमाइंड करा देना कि सावन में आपने मुझे इन्वाइट किया, उस पूजन में मैं आपको अपनी तरफ से ज़रूर बुलाऊँगा जी। तो जो शर्मा जी ने आपको उपाय बताया, आप उन उपायों को कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या फोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या महाअंबिका यंत्र मंगाना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पे संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो लोग शिविर में आए उनके कार्य सिद्ध होने, सफलता मिले, उसके लिए आप और विशेष क्या करेंगे? देखो, सबसे पहली बात तो है, बहुत लोग शिविर में आए, अब बेचारे बहुत लोग बहुत कुछ पूछना चाहते हैं। देखो, कमाल यह है कि 5 बज गए, 5 बजे भी मैं पूछ रहा हूँ, 10 बजे से लोग बैठे हैं भूखे। देखो कितनी बड़ी बात है, क्योंकि 12 बजे से शिविर का टाइम होता है, 12, 12:30 बजे से, 10 बजे से वहाँ लोग बाग पहुँच जाते हैं एडवांस में 2-2 घंटे, 5 बजे तक भूखे रहना और बिना अंजल के रहना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद भी हम कह रहे हैं भाई अब देर हो रही है, तो लोग बाग ये कह रहे हैं नहीं नहीं आप कार्यक्रम शुरू रखिए, अभी कार्यक्रम को बंद मत कीजिए। कितनी बड़ी बात है, आपको शाबाशी की बात है। खैर, देखो भैया, कमी बेसी हर काम में रह जाती है। अब जहाँ तक जैसे शशि ने पूछा, उनके लिए मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, आप मेरे साथ जुड़ गए ना, अब आप बेफिक्र रहिए, आपकी हाजिरी लग गई, आप जुड़ गए इस संस्थान से, आप संस्थान से जुड़े हैं, हार्दिक कामनाओं के साथ आपके लिए प्रेयर होती रहेगी, आपके लिए प्रार्थना होती रहेगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, बस सच्चा दिल अर्पण करने का प्रयास करें। भगवान कहता है बेटा तू मेरे मंदिर में आया, तू 1,00,000 रुपये लेके नहीं आया, तू इतने फल लेके नहीं आया, तू आया ना, तूने केवल जल चढ़ाया, तूने जल भी नहीं चढ़ाया, तू सच्ची भावना से बैठा ना, यही बहुत है। भगवान आपकी सच्ची भावनाओं को पढ़ते हैं, न कि आप मुझसे 100 सवाल पूछें मैं आपको 100 सवाल बताऊं, नहीं, आप उस पूजन में सच्ची भावना से आए, बस आपका काम हो जाएगा। आप ये अटल सत्य, ये विश्वास सभी लोग मान के चलें, और इसके बाद एक सिलसिला और हम आपके साथ बनाने वाले हैं, 4-5 दिन के बाद हमारे यहाँ से आपको कॉल आनी प्रारंभ हो जाएंगी, जो जो लोग शिविर में आए थे। आइए दर्शकों, जीवन है, कई बार हथेली की रेखाएं धूमिल पड़ जाती हैं, कई बार ग्रह धूमिल पड़ जाते हैं, लक्ष्मी के रास्ते बंद हो जाते हैं और लक्ष्मी नहीं आ पाती है। बहुत प्रयास करते हैं, उपाय करते हैं, फिर भी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। हथेली में जब कुबेर जो बने होते हैं, कुबेर बिल्कुल कमजोर पड़ जाते हैं और लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को खीर अर्पण करनी चाहिए, शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के संग बैठ करके, यानी कि उनके चित्र के सामने बैठ करके हमें लक्ष्मी यज्ञ करना चाहिए, लेकिन विल्व फल से। आइए हम भी लाभ उठाएं सब मिल करके, 2 मिनट के लिए जुड़ते हैं आज की ध्यानमाला से माँ लक्ष्मी से, जुड़े दर्शकों 2 मिनट के लिए माता रानी लक्ष्मी से। ओम श्री लक्ष्मी नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तेस्तु मा माहेश्वरीपीठे सुरपूजिते शंखचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयंकरी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते।
सर्वज्ञ सर्ववरदे सर्व दुष्ट भयंकरी सर्व दुखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते आद्यांतरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योग जे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महालक्ष्मी महाशक्ति महोदरे पापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वरी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते जगत स्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते जगत स्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते ओम श्री लक्ष्मी देव्यै नमः ओम श्री कमला देव्यै नमः ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः ओम श्रीं श्रै नमः ओम श्रीं श्रै नमः ओम श्रीं श्रै नमः ओम अन्नपूर्णायै नमः ओम कमलादेव्यै नमः ओम कमलपुष्पवासिन्यै नमः ओम कमलपुष्पधारिण्यै नमः ओम रत्नप्रदायिनै नमः ओम धनप्रदायै नै नमः। वास्तव में माँ लक्ष्मी धन प्रदाती कहलाती हैं। देखो अर्थ होता है सच्चे मन से जुड़ना। बहुत लोगों के आज मेरे पास जो शिविर में गए आकर के फ़ोन्स आए ईमेल्स आई बहुत लोगों ने धन्यवाद अदा किया और बहुत लोगों को जिनको इनवाइट किया गया था उन्होंने भी बहुत धन्यवाद अदा किया। ये धन्यवाद मेरा नहीं है, ये तो सब आपका है। जैसा आप लोगों का सहयोग होता है उसी सहयोग से हम लोग आगे चलते हैं। और ये थोड़ी बात है इतनी दूर दूर से आप टाइम लगा करके पैसा खर्च करके आप इतनी दूर पहुँचते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बड़प्पन तो इसमें आप लोगों का है, हमारा कुछ नहीं है। हाँ मैं तो इतना आपसे ज़रूर प्रेम से दिल से कह सकता हूँ कि आप लोग हमसे जुड़े, आप लोगों ने हमको चुना, ये बहुत बड़ी बात है। हम भी पूरी मेहनत करेंगे तारीख को आप सबके लिए। हम एक प्रातःकाल भोर वेला से एक यज्ञ कर रहे हैं जिसमें आपको विशिष्ट प्रकार का चमत्कारिक लाभ मिलेगा 11 तारीख की प्रातःकाल। और 11 तारीख की सुबह से हम लोग आपके लिए एक विशिष्ट चमत्कारिक मेहनत करने जा रहे हैं जो जो लोग शिविर में आए थे। बस आप विश्वास जमाएं और उसके बाद हम आपको, मैंने अभी 3-4 बार आज बोला ही है कि 3-4 रोज़ के बाद एक बार मैं ज़रा भोपाल से हुआ हूँ, उसके बाद आप सबको हम लोग कॉल कराते हैं। और हो सकता है आपको परसों तरसों से कॉल आनी शुरू हो जाएं जो जो लोग शिविर में आए हैं। हम उनके एड्रेस पते लिखना चाहते हैं ताकि हम आपको कुछ भेजना चाहते हैं हम आपको भेज सकें। जी शिमा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि शिविर में नहीं आ पाए पर लेकिन गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, तो वो कब और कैसे आपसे गुरु दीक्षा ले सकते हैं? हाँ, गुरु दीक्षा वाले भी ऐसे बहुत लोग हैं। शिविर में भी गुरु दीक्षा वाले 100-150 व्यक्ति थे, तो उनको हमने यही कहा भाई अभी आपको हमने हृदय पे उंगली रखवाई आपके और बोला आपकी गुरु दीक्षा हो गई। ये तो होता है मन से गुरु दीक्षा। अब मंत्र से जो गुरु दीक्षा होती है वो हम आपको 2-4 रोज़ में आपको फ़ोन आएगा क्या उसका तरीका है, कैसे आपको गुरु दीक्षा लेनी है, कौन सा मंत्र आपको गुरु दीक्षा के रूप में पढ़ना है, कौन सा मंत्र आपके जीवन को उद्धारित करेगा, ये सारी बातें हम आपको बाकायदा मैं आपसे फ़ोन पर बात करूँगा, आप चिंता ना करें। ये सारी चीज़ें रहेंगी। आगे भी आपको इस संस्थान से बहुत कुछ प्राप्त होगा, दर्शकों आप बेफिक्र रहें। जी शिमा जी, अब मैं जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों के ये भी सवाल थे कि जैसे कि हमने गुरु दीक्षा धारण की है तो क्या हम कभी गुरु जी से बात करना चाहें तो क्या हमारी गुरु जी से बात हो पाएगी, हमारी कोई समस्या हो तो क्या उसका हल मिल पाएगा हमें? हाँ बिल्कुल, ये तो देखो बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। हर व्यक्ति जैसे दूर दराज बैठा है, महाराष्ट्र के बहुत लोगों ने गुरु दीक्षा ली, गुजरात के लोगों ने ली, पंजाब के लोगों ने ली, मन में आ जाता है भाई जब हमने गुरु बनाए हैं तो हम समस्याएं कहाँ लेकर के जाएंगे। भाई समस्या भी आप यहीं लेकर के आओगे तो निश्चित तौर से मैं आपकी समस्याओं का एक दिन रख देंगे कि उस दिन आप मुझसे डायरेक्ट बात करें, आप बेफिक्र रहें। दूसरी बात, अब वहाँ बहुत लोग सवाल पूछते हैं, आप भी देख रहे थे ना सभी, आप जो लोग वहाँ आए थे, भाई सबके सवाल मैं वहाँ नहीं सुन सकता, इतने सारे लोग होंगे तो मैं कैसे किस किस के सवाल का जवाब दूंगा, वो इम्पॉसिबल नहीं हो पाता। हाँ आप आए हैं, आपकी हाजिरी लग गई है, निश्चित तौर से आपकी कामनाएं, जो जो कामनाएं लेकर के आप आए थे, जो जो सवाल आप लेकर के आए थे, स्टेप बाय स्टेप ईश्वर की कृपा से वो पूरे होंगे, आप लोग कतई भी चिंता ना करें। जी शिमा जी, एक सवाल और जानना चाहूंगा मैं आपसे, बहुत सारे लोग अंबिका यंत्र मंगाना चाह रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहूंगा आपसे। हाँ मैंने बोला ही था कि अब दोबारा से हम सबके लिए अंबिका यंत्र तैयार करा रहे हैं, तो जिनको भी अंबिका यंत्र चाहिए वो हमारे संस्थान में संपर्क
कर सकते हैं जी। उसको अगर आप भी महाअंबिका यंत्र मंगाना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो ज्योतिष ज्ञान में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।